ठीक है, पर मम्मी का फोन पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, अभी नया फोन है, 2 महीने पुराना। अगर तेरे बस की है तो तू कर भाई खुद, थोड़ा सा भी दिमाग है ना, 1% भी अगर दिमाग है तेरे पे तो स्पीकर ऐसे खराब हो गया, ऐसे में भाई दिक्कत हो जाती है ना, कंफ्यूजन आती है। जैसे आप लोगों ने पहले देखा कि 2 महीने पहले ही वाला फोन लिया था मैंने, हाल तो आया यार मैं इतनी धूप में। ठीक होंगे तो बाकी फिर आज वाली ब्लॉग के साथ थोड़ी थोड़ी दर्द से, क्योंकि मेरे ना गर्दन में दर्द हो रहा, क्योंकि बहुत दिन से है मोटो ब्लॉग चली रहा तो साइड से हेलमेट भी थोड़ा भारी है ना, तो इस वजह से मेरे ना पीछे दर्द में यहाँ पे दर्द हो रहा, तो आज ना कहीं जाने का प्लान नहीं है। अन्य का मैसेज भी आया था चले आज, मैंने मना कर दिया कि आज नहीं जा रहे, क्योंकि धूप भी मस्त निकली है, पर आज मैंने मना कर दिया, आज घर पे रहते हैं और थोड़ा बहुत काम भी है तो वो निपटाते हैं। तो बाकी गर्दन में अभी भी दर्द हो रही है, तो जैसे कि पहले बोलता थोड़ा बहुत घर का काम भी है तो काम भी निपटाना है, और काम में आज क्या है कि गर्मी, जैसे आप लोगों को पता है कि गर्मी आ गई है, सर्दी आज चली गई है, पर ये नहीं कि कहीं दोबारा बारिश हो दोबारा सर्दी आ सकती है 1-2 दिन के लिए, वो कुछ कह नहीं सकते, पर फिलहाल अभी गर्मी आ गई है। तो जितने भी मतलब कि सर्दियों के कपड़े के जितने भी कपड़े थे ना, मतलब सर्दियों के सारे अब आज फोल्ड करेंगे, और जो जितने भी गर्मियों के कपड़े थे सब निकालेंगे। मेरे को बहुत टाइम से देखा होगा ना विंडसीटर, मैं इसीलिए पहन के घूम रहा था, एक तो विंडसीटर पहनने में बढ़िया लगता है, लुक बढ़िया देता है, और दूसरा सर्दियों के कपड़े मतलब सारे धोके रखे हुए थे, इसलिए वही चीज़ थी जो मतलब धोके नहीं रखी थी, इसलिए मैं वही पहन रहा था ज़्यादा। तो बाकी आज फिर मतलब वो भी धो दिया विंडसीटर, अब तो आराम से, इसको बोलते हैं बंडी इसको बोलते हैं बंडी, तो बंडी में घूमूंगा आज से मैं। सैंडो बोलते हैं वैसे, सैंडो। तो बाकी तो फिर हमने मतलब कि यह है कि कपड़े फोल्ड करना मम्मी ने स्टार्ट कर दिया, देखो जिसको ठंड लग रही है स्वेटर पहनो, जिसको गर्मी लग रही ऐसे बंडी में आइए, ऐसे बंडी में घूमो बंडी में मस्त करके, और इसको आलसपन आ रहा वो ऐसे बैठ जाओ फोन चलाते रहिए, कोई रिएक्शन नहीं, साइलेंट एकदम। तो बाकी फिर अभी वाले कपड़े मतलब सर्दियों के पूरे फोल्ड करते हैं ढंग से पूरे। सर्दी चली गई गर्मी आ गई, क्या लग रहा है? मजा आ रही है, पर गर्मी में बुरे हाल भी है, फिर लाइट चलेगी, रोना है गर्मी में तो चलो स्वेटर। खारे को कैसा लग रहा है? ऑल सीजन वेदर आर इक्वल। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अरे ये नहीं, अबे अरे अरे स्वेटर दे, सूट में उसमें रखूंगी दीवान में यहाँ पे रख रहे कपड़े सारे। हाँ अभी काम ही चल रहा, देखो सारा का सारा। तो यहाँ नहीं लाने? नहीं, स्वेटर देना मेरी। ओके ओके ये बोल दो। ओके ओके, हेलो गाइस, आज हमारा काम बड़ा हुआ है यहाँ पे, सब लगे हुए आज काम पे, मेरी भी अलग लगा हुआ वहाँ पर लगे हुए, यहाँ पे मैं काम कर रहा। बाकी फिर सुबह के 10 बजे से, और अब बज गए मतलब कि दिन के 11:30-12:30 बज गए, तो अभी मतलब कपड़े अब जाके मतलब पूरे फोल्ड होकर सारे कंप्लीट रख दिए हैं, तो बाकी गर्मियों के कपड़े निकाल दिए, सर्दियों के कपड़े रख दिए, सर्दियों के कपड़े निकालेंगे सीधा 4-7-8 महीने बाद, वो भी जब निकालेंगे। तो बाकी फिर अभी मेरे को जाना था गाड़ी धुलवाने के, जैसे पहले बोलता गाड़ी बहुत दिनों से गंदी हो रखी, तो जहाँ मैं सर्विस कराता हूँ वहाँ तो भाई भीड़ हो रखी होगी, तो मैं अभी आज कहीं और जा रहा, तो चलते हैं फिर फटाफट थोड़ा घूम के आते हैं बाहर। लेट्स गो, धूप भी क्या तेज हो रही यार, मन नहीं कर रहा था भी निकलने का, नहाने वाली जगह जाने में तो तब भी मज़ा आता है, तो गाड़ी धुला के लाते हैं यार, काफ़ी गंदी हो रखी। ये देखो जो मिट्टी लगी हुई ना पूरी, इसमें भयंकर, ये साफ करवा के लाते हैं यार पूरी चमका के। तो बाकी ना मैं अभी आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, मतलब कि एक ना चीज़ हुई अभी बहुत कॉमेडी सी, बहुत भयंकर से आप लोगों को भी मतलब हंसी आ जाएगी, फनी सीन मैं बताता हूँ हुआ क्या। तो मैं अभी जैसे घर पे था ना, तो मैंने मतलब ये है कि 12:30 हो गए थे, तो मैंने व्लॉग अपलोड करा मतलब पब्लिश करा, तो आप लोगों को देख ही होंगे, आधे लोगों ने देख भी लिया, तो बाकी उनमें से एक का कमेंट आया कि मतलब कि ऐसी फलाना ढिमकाना जो होते ही हैं, मतलब छिछोरे से बचपना हरकत रहती जो उनकी, ठीक है। तो मम्मी व्लॉग देख रही थी, मम्मी ने व्लॉग में मतलब कमेंट देखा कि अबे ये कैसे मारा हुआ, किसने कमेंट दे दिया, तो मैंने देखा मतलब उस बंदे का नाम ही नहीं है, ठीक है, उसके घर वालों ने उस बंदे का नाम ही नहीं रखा हुआ, फर्जी आईडी से तो वो कमेंट मार रहा। भाई अगर तेरे पे दम है तो रियल आईडी से कमेंट मार के दिखा, तब मैं तेरे को बताऊँ, ठीक है, तो रियल आईडी से मारना, तब पता चलेगा तेरे को, तब मैं तेरे को बताऊँ अच्छे से, चाहे तो कोई भी हो, जो तो फर्जी आईडी से कमेंट मार रहा कि ऐसे वैसे कि 200 तो व्यूज़ आते हैं, 200 से ऊपर व्यूज़ नहीं आते, और तो वीडियो डाल रहा है भाई, अगर मेरे को चाहे 10 बंदे भी देखे ना तो मैं 10 बंदों के लिए भी वीडियो डालूंगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कह रहा कि सब्सक्राइबर पकड़ पकड़ के करवा रहा, भाई सुन, अगर तेरे पे थोड़ा सा भी दिमाग है ना, 1% भी अगर दिमाग है तेरे पे, तो तेरे को इतना समझ आएगा, पकड़ने का मतलब जो तू बोल रहा ना पकड़ पकड़ के सब्सक्राइबर बढ़ा रहा, उसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं कहीं गया तो किसी बंदे को मैंने खुद ही बोला, भाई मेरा यूट्यूब पे चैनल है जाके सर्च करो, ठीक है, अब जाके तू देख ले, उस पेट्रोल पंप वाले ने खुद बोला था कि आपका चैनल का नाम क्या है, ठीक है, तब बताया मैंने कि ये देखिए हेलमेट में लिखा प्रियंक ब्लॉग्स, ठीक है, कि सर्च कर लो बोला था मैंने, ये नहीं बोलता कि सब्सक्राइब करो, ठीक है, अभी तेरे पे दिमाग है नहीं, ठीक है, अब ये जो बच्चे होते हैं ना ये होते हैं अनपढ़ गवार, ठीक है, ना इन पे अक्ल होती है ना इन पे दिमाग होता, कुछ नहीं होता मतलब इन पे, ये मतलब ये है कि जो मुंह पे आया बग जाता है, जैसे अनपढ़ होते हैं ना वही अनपढ़ भी इनसे समझदार होते हैं, तो पढ़े लिखे गवार हैं जितना मेरे को लग रहा,
तो इनको कुछ भी बोलो कुछ समझ आने का नहीं, ठीक है। तो जो ये लोग होते हैं ना, ये लोग मतलब ये है कि खुद को मतलब कि खुद के बस की तो कुछ होता नहीं, दूसरों को मतलब टोंट मारने आता है बस, ठीक है। अगर तेरे बस की है तो तू कर भाई खुद, तूने चैनल बना रखा अपना, सब्सक्राइबर तेरे मिलियन में है, ठीक है। अभी ये ना कल तक देखना, कल तक ये वाली वीडियो आएगी ना तो अपना कमेंट रिव्यू मार देगा, क्यों, क्योंकि मेरे दोस्तों ने इसकी लेना स्टार्ट कर दी। अब मेरी बात ना तू ध्यान से सुन लियो, अगली बार अगर तू कमेंट मारेगा भी ना तो अपना नाम ना जो तेरा टट्टी सा नाम है, ठीक है, वो नाम चेंज करके आइयो, उसके बाद कमेंट मारियो रियल आईडी से, जो तेरा रियल नेम है ना उससे कमेंट मारियो, जो अपनी फोटो भी लगा दियो उसमें, ठीक है। तब मेरे को पता चले कम से कम मार कौन रहा है कमेंट, ऐसे में भाई दिक्कत हो जाती है ना, कन्फ्यूजन आती है कि कौन मार रहा कौन नहीं मार रहा। अगली बार मारेगा तो फिर रियल आईडी से मारियो, ठीक है। तो बाकी छोड़ो यार, इस पढ़े लिखे गवार की मतलब इस पढ़े लिखे बच्चे की बात, बच्चा ही है एक तरह से, इसका दिमाग बच्चा वाला ही है। तो ये पढ़े लिखे अनपढ़ गवार को छोड़ो, बाकी मेरे को जहाँ जाना था वहाँ पर पहुँच गया, जैसे पहले बोलता गाड़ी धुलवाएंगे मस्त एकदम, गाड़ी को चमकाएंगे आज यार, बहुत टाइम से गंदी हो रही थी, धोए भी नहीं यार कब से। भैया वॉश हो जाएगी गाड़ी, वॉश हो जाएगी बात। अबे यार ये अंकल तो कह रहे कि वो नहीं है यार, इनके यहाँ पानी ख़त्म हो रखा, फालतू आया यार मैं इतनी धूप में। बाकी छोड़ो फिर घर ही चलते हैं बाद में, या फिर अब खुद ही धोनी पड़ेगी फिर कल सुबह, इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पे ना मतलब ज़्यादा गाड़ियाँ रहती नहीं वॉश के लिए, और अगर मेन सिटी में कराओ तो वहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ रहती यार, फिर वो टाइम लगाते हैं, इसलिए मैं यहाँ आया था। अब वो कह रहे पानी है नहीं यार, तो फिर अब घर जाके धोनी पड़ेगी खुद, अभी तो वैसे पानी मन भी नहीं कर रहा धोने का, इतना गर्म हो रहा ना, ये तो एक ही बार में पाइप मार दे साफ हो जाता यार। बाकी देखते हैं कल सुबह, सुबह सुबह धोनी पड़ेगी मेरे को गाड़ी। अब वैसे मैं अपने सारे काम ना खुद ही करता हूँ, मैं किसी के भरोसे रहता नहीं वैसे, पर आजकल टाइम नहीं मिल रहा, तब मेरे को किसी और के भरोसे रहना पड़ा था गाड़ी धोने के लिए, पर वो अंकल कह रहे कि पानी है ही नहीं। अब पानी तो फिर अब मैं ही धोऊंगा, देखो अब जैसे पहले मैं धोता ही हूँ पहले से ही, तो अब मैं ही धोऊंगा। हमेशा लाइफ में किसी और के भरोसे नहीं रहना चाहिए, ये चीज़ मैंने बहुत पहले ही सीख ली थी, और आप लोगों को भी सीखनी चाहिए, अपना काम खुद करो, जैसे बोलते हैं ना वो बस स्टैंड में रेलवे स्टेशन में अपने सामान के खुद जिम्मेदार हो, तो वही बस अपने काम के खुद जिम्मेदार हो। तो बाकी तो फिर घर पहुंच गए, इतनी गर्मी में हालत ख़राब हो गई यार, अब तो मैं दिन में ना सोऊंगा सिर्फ, क्योंकि आज जाना है नहीं कहीं, तो बाकी आप लोगों से ना मैं सीधा शाम को मिलूँगा अब, क्योंकि मैं दिन में सोऊंगा खाना खाने के बाद सीधा। तो बाकी तो फिर मैं दिन के बाद ना जैसे घर आया था, तो घर आने के बाद मैंने खाना खुना खा लिया था, और खाना खाने के बाद फिर मैं सो गया था जैसे पहले बोलता। तो बाकी अब उठाऊँ, अब चाय ची मतलब ये थोड़ा फ्रेश सा लग रहा है, एकदम एनर्जी आ गया। तो बाकी ना मम्मी ने मतलब एक चीज़ और बताई कि जो मतलब अरे वो सुबह वाले अनपढ़ गवार की बात नहीं कर रहा मैं, वो तो है ही अनपढ़ गवार, उसकी कौन बात करे। अरे जैसे मम्मी का ये वाला फ़ोन है ना, जैसे आप लोगों ने पहले देखा था कि 2 महीने पहले ये वाला फ़ोन लिया था मैंने, पर इसमें मतलब क्या दिक्कत हो रही है, अब इसमें ना आवाज़ ढंग से आ नहीं रही, जिसका स्पीकर है ऐसे वो ख़राब हो गया, मतलब आवाज़ आ रही पर बहुत हल्की हल्की आ रही, जैसे कॉल में मम्मी बात करते ना बहुत कम कम आवाज़ आ रही, तो अभी ये भी दुकान में जाके दिखा के लेके आना है। आवाज़ सुना तो इस वाले फ़ोन का बिल्डअप सब है, अभी जाके अभी थोड़ी देर में जाऊँगा, 5 बजे वैसे अभी 5 बजने वाले हैं, तो 5:30 तक चलूँगा अभी, अभी धूप काफ़ी तेज़ हो रही। तो बाकी ना इस फ़ोन की मैं आवाज़ सुना तो, नया फ़ोन है अभी 2 महीने पुराना, ठीक है, इसकी आवाज़ सुना तो कुछ तेज़ है मेरा, देखो फुल वॉल्यूम कर दिया मैंने, देखो आवाज़ आ नहीं रही बिल्कुल भी कुछ भी, इसका स्पीकर हो गया ये हो गया, इसमें ख़राब दिक्कत होगी। अब मैं अपने फ़ोन की सुनाता हूँ, ये मेरे फ़ोन की कम है, बढ़ गई, देखो अपने फ़ोन की, देखो मैंने वॉल्यूम ना फुल बढ़ा दिया एकदम, देखो फुल वॉल्यूम है अपने मेरे फ़ोन की। और मैंने अभी जैसे कि अभी मम्मी के फ़ोन से सुनाया और अपने फ़ोन से सुनाया, तो मेरे फ़ोन की आवाज़ तो ठीक है, माइक ठीक है, पर मम्मी के फ़ोन में पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, अभी नया ही फ़ोन है 2 महीने पुराना, तो चलेंगे अभी थोड़ी देर में इसका मतलब दुकान में जाकर बोल के आऊँगा क्या दिक्कत होगी यार इसमें, ज़रा कुछ करके दो मेरे को ठीक। इसकी मैंने सेटिंग तो सब देख ली, सब वही है, इनेबल हो रही है, डिसेबल कुछ नहीं हो रखा, बाकी क्या दिक्कत हुई पता नहीं, शॉप ओनर से जाके बात करेंगे। 5 minutes later शाम को भी फ़ोन दिखाने जाएंगे, तो फ़ोन दिखाने मतलब कि मैं तैयार हुआ निकला, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ एकदम जैसे फीवर होता है ना वैसी बॉडी गर्म से होने लगी, जैसे यहाँ बाहर मतलब निकला ही था एकदम तैयार होकर, हेलमेट मोटो ब्लॉक का सेटअप पहन के निकल ही रहा था, अब एकदम मेरे को गर्म से होने लग गया, फिर थोड़ी देर बैठा पंखे के नीचे तब और गर्म आ रहा पसीना, मतलब ये कि बॉडी में पसीना होने लग गया था पता नहीं क्यों एकदम से, वो तो मेरे को ना दिन से हो रहा था, जब दिन में जब मैं गाड़ी वॉश कराने गया था ना, जब उसके वापस घर आ रहा था, जब मैं वापस घर आ रहा था तभी मतलब मेरे को क्या था बॉडी में एक तो सर्द होने लग गया था और ऊपर से मतलब गर्मी लग रही थी कुछ ज़्यादा ही, वो मैंने बोला नहीं था, मैंने आप लोगों को बोला था कि अब सीधे शाम को ही मिलूंगा आप लोगों से कि थोड़ा आराम कर लूँगा, मेरे को लगा कि थोड़ा वैसे थकावन से लग रहा है, क्योंकि जैसे मैं सुबह
वो बोल रहा था गर्दन में दर्द हो रही कि क्या मतलब, मेरे को लगा कि उस वजह से हो रहा हो कुछ, पर वैसा नहीं था, वो कुछ फीवर टाइप का हो रहा था। फिर मैं गया भी नहीं आज, अब बाकी कल जाऊँगा फिर फ़ोन दिखाने। बाकी फ़ोन में वैसे दिक्कत नहीं है, बस आवाज़ कम हो रही, वो कल ही दिखाऊंगा दिखाने। बाकी फिर अभी ना खाना खुना खा के मम्मी कह रही कि तू आराम कर ले फिर आज पूरे दिन भर, बस कि आज दिन भर वैसे भी घर पर था कहीं गया भी नहीं, अब रात को भी अभी खाना खा के आराम ही करूँगा। एडिटिंग की ना कल सुबह देखी जाएगी। बाकी मैं ये वाला ब्लॉग एंड करता हूँ यार, आज अच्छा भी नहीं लग रहा मेरे को।